एक चीज हमेशा गांठ बांध लें, उस चीज को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जिसको हम रिवाइज नहीं कर पाते। इवन आज भी जो आप पढ़ते हैं इसको 2-3 बार जरूर उसका रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करने से आपकी मेमोरी में वो सारी चीजें बैठेंगी, साथ ही साथ जब प्रश्न को आप देखेंगे और उसके ऑप्शन को देखेंगे तो आसानी से प्रश्न को पकड़ ले जाएंगे। देखिए प्रतियोगिता का दौर है, एक एक नंबर सफलता असफलता को निर्धारित कर रहा है, ऐसे दौर में सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक मैं पिछले 18 वर्षों का जो दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में पढ़ाने का मेरा अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी इसलिए असफल नहीं होता कि वह बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं जानता, बल्कि कोई भी विद्यार्थी इसीलिए असफल होता है कि वह जो जानता है उसी में सिली मिस्टेक कर जाता है। बहुत बारीक क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, बिटवीन द लाइन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई बार बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं होने से, चीजें ध्यान से जब आप नहीं पढ़े होते हैं तो उसी में आप कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं, कुछ ना कुछ लैग कर जाते हैं और अंततः क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अपने आप को जो है सतर्क रखने की आवश्यकता है। पीटी एग्जाम को पास करना तलवार की धार पर चलने के जैसा है। अब आप पीटी एग्जाम को हल्के में नहीं लेंगे, 98% स्टूडेंट अपने सभी चांस में पीटी का एग्जाम पास नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि श्योर आपका सिलेक्शन हो तो आपको बहुत शार्प करना होगा अपने मस्तिष्क को भी, और जो कुछ पढ़ते हैं उसको पॉलिश करना होगा बार बार रिवीजन के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से।